हमारे रहीम, ये वीडियो एजुकेशन पर्पसेस के लिए है, इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे पोटेंशियल स्टॉक जो कि आपको प्रॉफिट दे सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए भी, शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब आप उनको थोड़ी देर के लिए अगर बाय करते हैं और होल्ड करते हैं तो हम टाइम भी बताएंगे आपको कि किस टाइम से किस टाइम तक आप उसको होल्ड कर सकते हैं और किस पॉइंट से ऊपर आप होल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिपी लिपी डेटा के ऊपर नज़र डालते हैं, फिपी लिपी डेटा आपका क्या कहता है। तो फिपी डिपी डेटा के ऊपर नज़र डालें तो आपका फिपी डिपी डेटा ये है जी, आपका 11/11 से, मतलब कि पिछले वीक का जो फिपी लिपी डेटा है। सो इस डेटा के मुताबिक बहुत सारी बिग एंटिटीज़, फॉर एग्जांपल बैंक्स, ओवरसीज पाकिस्तानी और फॉरेन कॉरपोरेट्स कंपनीज बहुत ज़्यादा सेलिंग्स पे हैं और म्यूचुअल फंड बाइंग बहुत ज़्यादा हाईवी साइड पे, बाइंग साइड पे। लेकिन द डेंजरस थिंग इज़ कि आपके इंडिविजुअल जो हैं वो बहुत ज़्यादा बाइंग साइड पे। सो आपने इस वीक, जो कमिंग वीक है, वो मार्केट में बहुत एहतियात से खेलना है। मार्केट इस टाइम बहुत ज़्यादा हाईली अपर जोन में घूम रही है, रेड जोन में घूम रही है। सो इंडिविजुअल्स का इतना ज़्यादा वीकली बेसिस पे बाय करना और कंपनीज का इतना ज़्यादा और बैंक्स का इतना ज़्यादा सेल करना, इट्स एन अलार्मिंग फैक्ट कि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ करेक्शन मार्केट लेती हुई नज़र आ सकती है। ठीक है जी, और देखेंगे कि स्पोर्ट लेवल मार्केट के क्या हैं और आगे मार्केट कहाँ से बैक हो सकती है। सो फिपी लिपी डेटा के मुताबिक सबसे ज़्यादा जो कम बैंक्स ने अगर हम इन डेप्थ देखें तो फिपी ने ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स में सेलिंग की है और ऑल अदर सेक्टर्स और सीमेंट्स में कुछ एंटिटीज़ इनकी मार्केट के अंदर इन है, जो कि मतलब कि इट्स गुड, इट्स एवरेज पॉइंट, मतलब कि यहाँ से ये एवरेज है, ये कोई इतना ज़्यादा कोई हाई साइड या कोई तो कह लें को फिपी ने बहुत ज़्यादा बाय कर लिया, नो नथिंग। सो एवरेज फिपी मार्केट के अंदर इन है वीकली बेसिस पे। बैंक्स ऑलमोस्ट सभी क्वांटिटी सेलिंग्स पे हैं और बहुत ज़्यादा सेलिंग की है उन्होंने ऑयल एंड गैस मार्केटिंग के अंदर और ऑल अदर सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा सेलिंग कर दी है उन्होंने। सो बिग एंटिटीज़ थोड़ी बहुत सेलिंग साइड पे हैं, ब्रोकर्स होना ना होना, ब्रोकर इज़ प्रॉफिट टेकिंग एंटिटी, मतलब एक दिन लेते हैं दूसरे दिन आपका मार्केट से निकल जाते हैं। कंपनीज़ ने बहुत ज़्यादा सेलिंग की और कंपनीज़ की मेजर सेलिंग्स जो है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर और दूसरी बड़ी बैंक्स के अंदर इनकी सेलिंग है। और इसके बाद इंडिविजुअल्स जो कि इन ही बहुत ज़्यादा हैं और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज के अंदर बहुत ज़्यादा इन है और ऑल अदर के अंदर बहुत ज़्यादा इन है, ये दो सेक्टर्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं। इंश्योरेंस कंपनीज़ का ये हाल कि थोड़ी थोड़ी बाय करते रहते हैं ये जैसे जैसे मार्केट नीचे को आती रहती है। तो फर्टिलाइज़र सेक्टर इस टाइम काफ़ी दिनों से चला नहीं है तो उसमें ये अपनी पोजीशंस आहिस्ता आहिस्ता करके बनाते जा रहे हैं और कमर्शियल बैंक्स में भी आहिस्ता आहिस्ता करके ये पोजीशन बनाते जाते हैं। सो म्यूचुअल फंड बाय साइड पे है और हैवी एंटिटी बाय साइड पे इसकी ऑयल एंड गैस और मार्केटिंग के अंदर है, लेकिन आई रिकमेंड कि आप जो है ना वो सेलिंग की तरफ जाएं। सो इसीलिए पीएसओ को, पीपीएल को, हाँ थोड़े बहुत रुपए आपको ऊपर जा सकते हैं, मतलब पीएसओ 261 से 264 तक जा सकता है, ये 7 तक जा सकता है, ये 71 तक जा सकता है। ठीक है, पीपीएल आपका 157-158 एंड दोबारा जो है ना वो यहाँ से नीचे आ सकता है। तो एक दो दिन के लिए तो शायद ये ऊपर आ जाएं, लेकिन ये है कि मेजर अभी आपको वेट करना चाहिए इन शेयर्स के अंदर। ठीक है, सो फिपी लिपी डेटा के ऊपर आपकी ये सिचुएशन बन रही है। मार्केट को अगर ग्राफिकली देख लें, सो मार्केट को अगर ग्राफिकली देख लें तो आपका केएससी 100 को अगर आप ग्राफिकली देखें तो ग्राफिकली मार्केट जो है वो अपने ऑल टाइम हाई को टच कर रही है, इसमें कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब तो हमने ये देखना है कि मार्केट ने कहाँ से बैक होना है। सो मार्केट का जो हाई है, ठीक है जी, 95,200-300 का ऑलमोस्ट मार्केट का हाई है। सो ये मार्केट के लिए तोड़ना अब नेक्स्ट वीक मेरे ख्याल में ये चैलेंजेबल है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेबल है। ठीक है जी, तो यहाँ से मार्केट अगर ये 95,300 को तोड़ेगी तो फिर ही आगे 97,000 तक को टारगेट कर लेगी, लेकिन ये मुश्किल बहुत है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सेफ जोन में प्ले करने की ज़रूरत है। कोई ये कहे कि मैं लेके बैठ जाऊँ और इसको मैं वेट कर लूँ और ऐसा कुछ भी नहीं है। सो आपने सेलिंग की तरफ रहना है, मार्केट अभी शॉर्ट पड़ेगा। ठीक है जी, और उसके बाद अगर वीकली मंथली सारा ग्राफ यही कहते हैं कि ऊपर की तरफ है, लेकिन अभी थोड़ी मार्केट को करेक्शन लेने दें, मार्केट को एटलीस्ट 92-93 के करीब आने दें, 2-3 हज़ार पॉइंट मार्केट अभी डिस्काउंट करे
फिर वहाँ से दोबारा चिप इन होने की ज़रूरत है। मतलब मार्केट वहाँ से बैक जो करेगी वो आपको ज़्यादा प्रॉफिट देगा, बजाय इसके कि आप फुल पोटेंशियल पे रिस्क लें और जो है ना लेके बैठे रहें कि ये बहुत ऊपर जाएगा ये और ऊपर जाएगा। नो नो नथिंग लाइक दिस। आपने बड़ा स्ट्रेटेजिकली आपने अपनी चीज़ों को मैनेज करना। तो इसको 2-3 हज़ार पॉइंट घटने दें, देखें फिर कि मार्केट कहाँ से यहाँ से बैक हो सकती है। जितना आपके पास वो नीचे गिरी है, गिरेगी तो सही, ऑब्वियसली गिरेगी, तो जितना वो नीचे की तरफ आपका फॉल किया है उसने, क्या आया वॉल्यूम्स के साथ फॉल किया है या वैसे ही थोड़ी बहुत करेक्शन लेने के लिए नीचे आई है। तो ये सारी चीज़ें आप मद्देनजर रख के आप नीचे, जैसे ही मार्केट 2-3 हज़ार पॉइंट करेक्शन की तरफ आती है, मतलब 93,000 की तरफ आती है, तो आप दोबारा से अपनी इक्विटी को चिप इन कर सकते हैं मार्केट के अंदर। उसके बाद नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास है कि आपकी मार्केट का कौन से स्टॉक्स जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, यहाँ से आपको मिनिमम लॉस दे सकते हैं। और मार्केट की अगर आप ले के बैठते हैं, या ले के मतलब कहने का मकसद, ले के बैठने का मकसद ये कि एक आधा दिन ले के बैठते हैं तो आपको अच्छा गेन दे सकते हैं। सो बात यहाँ पे चली है। देखें इसके लिए सबसे पहले आपके पास ट्रेड के लिए आपके पास है फिरोज। फार्मास्यूटिकल कंपनीज वैसे ही आजकल बहुत ज़्यादा हाई साइड पे हैं, ठीक है जी, लेकिन ये फेरोज ऐसा शेयर है फार्मास्यूटिकल में जिसने अभी थोड़ा बहुत पोटेंशियल अभी बाकी है, ठीक है जी। सो इसको आप 329, 328 से 329 से, मतलब 327 ही लगा लें। सो इससे ऊपर ऊपर आप इसको होल्ड करके बैठ सकते हैं, और जैसे ही आपको 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये गेन देता है, आप आहिस्ता आहिस्ता करके इससे निकल सकते हैं। सो आहिस्ता आहिस्ता करके इसको इस लेवल से ऊपर ऊपर आप बाय करें, और ऊपर जैसे ही आता है तो 10 रुपये का गेन पड़ता है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता करके इससे निकलें और अपना स्टॉप लॉस लगा लें 326 का। सो इंशाल्लाह ताला ये आपको अच्छा ट्रेड देगा कल। और इसके अलावा टीआरजी आपको अच्छा गेन देगा। टीआरजी का फुल पोटेंशियल है इस टाइम 57-59 से आपको अच्छी बाई मिल सकती है, और किसी इसी रीजन में मिलता है तो वेरी गुड, अगर नहीं मिलता तो आप मिनिमल इस क्वांटिटी इसकी उठाएं, और इसकी प्रोजेक्शन करंटली 67-69 इज़ क्लियर। सो ये अगले वीक अगर मार्केट ऊपर आती है तो ये सबसे पहले मार्केट के साथ साथ ऊपर चलता जाएगा, ठीक है जी। मतलब 400-500 हज़ार पॉइंट ऊपर आती है मार्केट तो उस टीआरजी को आप देखेंगे 64-67 इस रेंज में ये हिट मार रहा हो। सो ये भी बहुत अच्छा, अगर नीचे आपको मिलता है तो वेरी गुड, अब आप इसको ले सकते हैं 59-57, ये इसका बाय रेंज है, और इसको आप लेके थोड़ी देर के लिए वेट कर सकते हैं, एक आधा दिन दे सकते हैं इसको, ये आपको लॉस नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, वीडियो के दरमियान में ही ऐसे ही हम किसी स्टॉक को डिस्कस कर लेंगे। असल में मेरा पॉइंट डिस्कशन का अब ये है कि हम आरपी कैपिटल कैसे देखें, ये हमारी एक ओपिनियन है, एक रिसर्च है जो कि हम लोगों के साथ शेयर करते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारी कोई बाय सेल कॉल या फलाना एक्स वाई जी, हमारी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये जस्ट एक रिसर्च है, एक ओपिनियन है जो कि हम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों के साथ शेयर करते हैं। जिन्होंने अपनी कुछ करना है वो अपनी एनालिसिस करें, वो अपनी रिसर्च करें, अगर उनकी रिसर्च हमारी रिसर्च के साथ सिंक्रोनाइज करती है तो डू गो फॉर इट। मतलब आपको नॉलेज अगर मिल रहा है वीडियो से तो ठीक है, मतलब अपने नॉलेज को भी यूज़ करें, हमारे नॉलेज को भी, आपका और हमारा नॉलेज अगर सिंक्रोनाइज होता है तो वेरी गुड, तो आप इसमें लेके बैठ सकते हैं। लेकिन ये हमारी तरफ से कोई कॉल्स नहीं है, ये जस्ट एक रिसर्च है जो हम शेयर करते हैं, ठीक है जी। अच्छा अब आ जाते हैं कि हाउ आरपी कैपिटल वर्क्स। सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मार्केट अपडेट, देखिए जैसे ही मार्केट दिन खुलता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपको लेके जाऊं, सो जैसे ही दिन खुलता है, ठीक है जी, वेट फॉर हाफ एन आवर बिफोर बाइंग, इफ मार्केट इज अपर ट्रेंड 30 मिनट गुड्स गो फॉर बाइंग, अदरवाइज हम पिछले जुमे रात को ये कह रहे थे GGL ले लें, आप रिकमेंड कर रहे थे गनी ले लें इस लेवल पे। सो अल्हम्दुलिल्लाह गनी ने भी अपने टारगेट को हिट किया। GGL को तो किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, 5.8, 6.3, ये 10,000 क्वान्टिटी हम लोग मिनिमम रिकमेंड कर रहे हैं उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनके पास 5 से 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है, ठीक है। तो GGL का बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस संडे तक उसने कितना गेन दिया। कोटम को 5 अपर कैप पड़ गए, जो कि कोटम की हमारी रिकमेंडेशन थी कि आप अनदर जैम फॉर फ्यूचर इज रेडी 39-51 इसमें सेल कर दीजिएगा। तो
पांच अपर कैट क्वोटंगो पड़े और 39 उसने माशाल्लाह हिट किया। यो 4.3 तक भी हमने बाय करवाया और 4.4 पे निकले वो। यो ने भी अपना टारगेट हिट किया। गनी ने अल्हम्दुलिल्लाह वो बात वही कि गनी ने अपने टारगेट पूरे किए, 417 और 419 भी इसने टारगेट लगाया। एयर लिंक को हम बगाए बगाए शॉट करवाते आ रहे हैं और एयर लिंक माशाल्लाह अच्छी शॉट दे देता है। WTL को हमने बाय करवाया 1.2 से 1.27 के दरमियान और कहा गया कि 1.34 पे जाके इसको एग्जिट कर दें, तो उन्होंने भी बड़े पैसे कमाए। 3 लाख क्वांटिटी हमने रिकमेंड की, ठीक है जी। गनी और ये एच कार अगर लास्ट वीक हम कह रहे हैं कि 303 से ऊपर क्लोज हो अगर हो रहा हो तो आप इसको लें और पैसा कमाएं, ठीक है जी। सेम गोज विद ACPL वीकली क्लोजिंग 179 ऑसम, इसने क्लोज दिया था 174 पे और माशाल्लाह इसने 222 का या पता नहीं 220 का हाई लगाया इस वीक। सो वीकली बेसिस में हमने ये रिकमेंड किए एच कार, ACPL और क्या नाम है GGL, GGL और शॉर्ट की कॉल दी हमने एयरलिंग की। सो ये हो गया। सो नेक्स्ट इस वीक ट्यूसडे को हमने कहा कि मार्केट कंटिन्यूएशन प्लीज बुक प्रॉफिट, मतलब कि मार्केट की करेक्शन थोड़ी बहुत आ सकती है सो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लें और एयर लिंक को शॉर्ट मार लें। सिमिलरली नेक्स्ट डे हमने पावर और UBDL की कॉल दी, सो कैप हो गया। UBDL भी और पावर ने भी माशाल्लाह अच्छा गेन दिया। शूटर माशाल्लाह मतलब वहाँ से जो पिछले वीक हमने कहा था उससे आगे वो कंटिन्यू रखा उसने। माइनर करेक्शन आएगी जी मार्केट के, उसके बाद एक्सपेक्टेड है, ये हम वेनसडे को कह रहे हैं, पिक एक्सपेक्टेड है। तो लोड्स की हमने कॉल दी, लोड्स ने माशाल्लाह 13.5-13.8 का हाई लगाया। हेल की हमने को पता नहीं एक दो महीने हमने कॉल दी थी पहले और हेल माशाल्लाह डबल हो गया। प्लीज़ बुक प्रॉफिट, थर्सडे शुरू हुआ और हम कह रहे हैं कि मार्केट जैसे ही 94 करीब आती है तो वेट करें 94 से ऊपर जाने के, या 94 के करीब आप जो है ना इसको बुक प्रॉफिट कर लें और एयर लिंक को शॉर्ट मार दें। तो बस यही हमने कहा जी, सही है जी। और फ्राइडे वाले दिन हमने कहा जी वेट फॉर राइट मोमेंट टू एंटर, मतलब राइट मोमेंट वेट करें अभी, अगर किसी ने लेना है तो PHDL, UBDL और TRG ले सकता है तो वो लॉस नहीं देगा। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तीनों ने अच्छा गेन दिया। और उसके बाद हमने कहा जी मार्केट नीड टू कम नियर 90-91 फॉर प्रॉपर बाय। मतलब हमारे एनालिसिस में ये है कि हम रिकमेंड कर रहे हैं कि मार्केट को अभी नीचे गिरना चाहिए, ऑल दो 93,000 इज ऑल्सो गुड बाय लेवल। सो एच कार को आप लेके रखें, कभी भी इसकी न्यूज़ ऑफिशियल आ सकती है, ईवी इज कमिंग, सो उसके बाद ही 100 रुपये का गेन दे सकता है, तो 291 से ऊपर ये अच्छा है। तो ये करके जी हमारी बाय सेल कॉल्स चलती हैं, मार्केट के लेवल्स चलते हैं। तो मार्केट को हम अपडेट कर देते हैं आफ्टर एवरी 3 आवर्स के, जैसे ही 9 बजते हैं हमारी अपडेट चली जाती है कि नेक्स्ट 3 आवर तक मार्केट क्या करेगी। दैन 12:30 बजे एक अपडेट चली जाती है कि मार्केट क्या करेगी। उसके बाद व्हाट्सएप पे हम लॉन्ग शॉर्ट कॉल्स दे देते हैं। अगर किसी को हमारे वेब पेज की समझ नहीं आती तो मोस्टली लोग ये प्रेफर करते हैं कि हमें व्हाट्सएप पे बता दे, तो हमारे लिए ज़रा इजी है, ठीक है जी। अगर कोई बंदा हमारे साथ जुड़ता है तो हम उसको वेबसाइट से भी बताते हैं, लेकिन आजकल हमारी वेबसाइट पे ज़रा वो क्योंकि हमारी रेनोवेशन हो रही थी, मतलब कि रीन्यू हो रहा था हमारा वो जो प्रोसेस है, मतलब बंदे आ रहे हैं जा रहे हैं और कुछ मतलब पीछे से बैकएंड पे फॉर्मेलिटीज़ हमने पूरी करनी थी, तो हमारी 15 अक्टूबर से अब तक जो है ना वेबसाइट अभी नहीं चली। सो नेक्स्ट हम ये प्लान कर रहे हैं कि इसको ऑफिशियली अब दोबारा से टेक ओवर करें और वेबसाइट के ऊपर अपना सिग्नल दें। सो वेबसाइट के आपको क्रेडेंशियल दे दिए जाते हैं और वहाँ पे आपके स्टॉक्स के अपर कैप के सिग्नल और लोअर कैप के सिग्नल, मतलब कि आप सिग्नल्स मतलब इस रेजिस्टेंस में आते हैं, अपर कैप का सिग्नल आ जाता है, डेली के सिग्नल आ जाते हैं, एकोमोडेशन के स्क्रिप्ट्स आ जाते हैं। सो ये आपको फैसिलिटी हमारी वेब पेज पे आफ्टर मेकिंग लॉगिन, आपके ये ईमेल और लॉगिन बनाने के बाद आपको वो पासवर्ड दे दिए जाते हैं और आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। और आर्टिफिशियल बेस्ड इंटेलिजेंस ये AI सिग्नल्स हम देते हैं। तो AI का हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है स्टॉक फिनेटिक के नाम से, जो कि हमने खुद बनाया हुआ है, यूअर अल्टीमेट स्टॉक मॉनिटरिंग AI सिस्टम, ठीक है। सो इसमें आपका पोर्टफोलियो एनालाइजर भी है और स्टॉक्स भी हैं। सो जो हमारे पास स्टॉक्स ये फिल्टर करके देता है तो हम उसको नेक्स्ट अपने यूजर्स तक पहुंचा देते हैं। और पोर्टफोलियो एनालाइजर में माशाल्लाह जो भी पोर्टफोलियो आपके पास पड़ा हुआ है उसमें हम इसको एनालाइजर में डालते हैं। ये बेस्ड ऑन AI पीछे से कोड्स चला के ये बता देता है कि इस स्टॉक को निकाल दो, इसके बजाय ये रिप्लेस कर दो या इसको यूं कर दो। सो ऑल दीज फैसिलिटीज़ हम अपने कस्टमर्स को देते हैं। सो नेक्स्ट अगर आप आगे चलें तो हमारे पास देखें, हमने
पिछले महीने रेडको की कॉल दी, 7 अक्टूबर को हमने दो कॉल दी रेडको की, और उस टाइम रेडको थोड़ा सा अटका रहा, मतलब इस दिन मार्केट का अपर कैप भी इसने लगाया, लेकिन जो है ना ये थोड़ा सा अटका रहा अटका रहा अटका रहा, और माशाल्लाह उसके बाद रेडको ने 8 से सीधा 15 को टारगेट किया, ठीक है जी। CPHL 11 अक्टूबर को हमारी कॉल थी, मतलब कॉल्स हम बता रहे हैं CPHL के सामने, तो CPHL वहाँ से नीचे ज़रूर गया, लेकिन 49 के करीब CPHL ने गेन दिया। सिमिलरली ऑक्टोपस की जिस दिन हमने कॉल दी, उस दिन हमने सेलिंग भी कही कि 114 पे इसको सेल करने, ऑक्टोपस ने उस दिन लगाया, हम नेटवर्क 10 रुपये के ऊपर, पेस 5.8 के ऊपर, नेट सोल 128 के ऊपर, गनी 350 से 353 हम कह रहे हैं कि बाय कर लें, हम नेटवर्क भी दोबारा बाय करने का कहा गया, DCR को कहा गया, AGL को 38 रुपीज़ का कहा। सो ऑल दिस कॉल्स वर सक्सेसफुल और माशाल्लाह सारों ने अपने अपने टारगेट हिट किए, और कुछ ऐसे हैं जो स्टिल गोइंग ऑन है, ठीक है। सो इस तरह करके हम लोग अपनी वेबसाइट पे सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं बेस्ड ऑन दिस सॉफ्टवेयर। सो लेट्स गो नेक्स्ट के कल क्या कौन सा शेयर और अच्छा है। नेक्स्ट शेयर जो हमारी तरफ से कल के लिए जो अच्छा शेयर है वो है आपके पास पावर। देखिए पावर को आप याद रखें कि पावर का अच्छा गेन स्टिल अवेलेबल है, ठीक है जी। पावर का 8 तक आना, 8.8 तक आना इज़ नॉर्मल सी बात, मतलब आपने बाय अच्छे पॉइंट पे करना है, तो इसको आप ले सकते हैं, और 7.21 से ऊपर ऊपर करंटली इसके अंदर बैठ जाए, 19 के करीब करीब 19221 अगर ये मिलता है तो इसके अंदर बैठे हैं, और इसके बाद स्टॉप लॉस लगा के रखें। अगर ये इससे नीचे जाता है तो इसको ज़रा 7 से नीचे आने दें, मतलब कि 6.6 सिक्स पॉइंट जो कि हमने पहले बाय करवाया था 6.6 का बाय लेवल, वहाँ से ये वापस हो सकता है, ठीक है जी। सो पावर एक अच्छा है नेक्स्ट के लिए। और सरले, सरले इज़ गुड। देखिए सरले को हम बता देते हैं कि सर सरल, देखिए जी सरल अगर मार्केट लेट्स सपोज कल नेगेटिव होती है या परसों नेगेटिव होती है, और सरल आपको मिलता है 81 की विंडो में, ठीक है जी। हमारे सॉफ्टवेयर ने इसको निकाला हुआ है सरल को, इसका सपोर्ट जोन है, पहला सपोर्ट जोन है वो है आपके पास 84.58, ठीक है जी। ये सरल है, सरल का फिल्टर आउट कर रखा है इसने और कहा कि 84.58 पे आप इसको तक इसका वेट करें, ठीक है जी। 84.58 मतलब कि आपने जो वेट करना है अकॉर्डिंग टू आवर AI वो आपने वेट करना है 84.8, मतलब कि आपने यहाँ तक वेट करना है इसका, ठीक है जी। यहाँ से इससे नीचे आता है तो आप अपनी क्वांटिटी को आहिस्ता कर दें, स्लो कर दें, और उसके बाद ये कह रहा है जी हमारा AI वो कहता है जी आप इसको बाय कर लें 74, ठीक है जी। 74-75 तक वेट करें, ऑल दो हम ये भी रिकमेंड कर रहे हैं कि इसको आप अगर यहाँ से ये नीचे आता है तो आप अपनी क्वांटिटी को थोड़ा लोअर कर दें 79-81, यहाँ पे जाके आप इसको बाय कर लें थोड़ा सा, ठीक है जी। और फिर इसको जो AI बता रही है कि 76-74 की विंडो ये आप यहाँ पे इसको बाय कर ले तो इंशाल्लाह ताला ये आपको लॉस नहीं देगा। सो स्ट्रॉन्ग बाय जोन इज 74-76। हाउएवर आप थोड़ा सा मिनिमल क्वांटिटी उठा सकते हैं 79 से 81 और 83 के ऊपर, अगर आप 84.3 से अगर ये नीचे आता है तो इसको आप सेल आउट कर दें और नीचे इसको कॉमुलेट करना शुरू कर दें, ये भी आपको इंशाल्लाह लॉस नहीं देगा। तो हमारी तरफ से जस्ट इतना ही। सो नीचे आपको नंबर दिया गया होगा, इससे हमारा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो पोर्टफोलियो एनालाइज कर सकते हैं हम, और मतलब हमारे साथ अगर आप काम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, देखिए हमारी वीडियो लेट होती जाती है, उसका मकसद ये भी है कि हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे थे कुछ ब्रोकर्स के साथ, सो हम उसको फाइनलाइज करने की पोजीशन में अब आ चुके हैं। सो ये आप लोगों के लिए थोड़ी सी एक बेहतर सिचुएशन है कि हमारी, क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी, हमारी फ़ीस ऑलमोस्ट हम चार्ज करते हैं 5,000। सो इसको कुछ रिडक्शन हम करना चाह रहे हैं कि अपने यूज़र्स को हम जो है ना वो कुछ और फैसिलिटी दें, और जो कि जिनके पास कुछ ब्रोकर्स के पास जो अकाउंट है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि किसी के पास मुनीर खगानी के पास किसी का अकाउंट है तो वो हमारे से कांटेक्ट कर सकता है, हमारे पास आ सकता है, जिसकी इक्विटी हमारे 25 या 30 से ऊपर है, मतलब 20 से ऊपर है, उसको हम इंशाल्लाह ताला इसकी
25 से ऊपर वाले को इसकी फ्री एक्सेस देंगे। जो भी हमारा सिस्टम, जो भी हमारा ये वर्कआउट कर रहा है, मतलब सॉफ्टवेयर AI फलाना XYZ, उसकी हम उसको फ्री एक्सेस देंगे, ठीक है जी। लेकिन उसके लिए उनका जो अकाउंट है वो मुनीर ककानी के पास होना चाहिए और हमारी रिकमेंडेशन पे उसको आना चाहिए। मतलब कि ये कुछ हमने आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, तो मतलब इतने ज़्यादा पैसे जो नहीं दे सकता, जो दे सकता है इट्स वेरी गुड, वो चलता जा रहा है। जो नहीं दे सकता वो इस तरह से कर सकता है कि हमारे साथ मुनीर ककानी के साथ काम कर सकता है और खनानी के साथ काम कर सकता है और अपनी जो अमाउंट है वो फ्री भी करा सकता है अगर उसके पास एक हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी पड़ी हुई है। वरना जिससे नीचे वाले से हम 2,000 रुपया या इतने तकरीबन चार्ज करते हैं और साथ में कंडीशन ये है कि उनके पास हमारी हमारी रिकमेंडेशन पे उनके पास अकाउंट हो। सो ये कुछ फाइनलाइज चीज़ें चल रही हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप इस सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें और इसका मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकें। अगर किसी को कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी क्वेश्चन है, वो हमसे पूछ सकता है। हमारा नंबर भी आपके पास है और आई बिलीव के अपनी, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, ये मेरी बात आप सुन लें कि अगर आपके पास नॉलेज कम है या आप सीख रहे हैं, गो टू गो फॉर इट, मतलब सीखें आप, आपको सीखना भी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास, क्योंकि मार्केट इस टाइम है बहुत ज़्यादा ऊपर, यहाँ से अगर मार्केट नीचे का सोन करती है, मतलब कि तो ये मार्केट ऐसे ऐसे आपका रुपया लेके जाएगी, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा। और शॉर्ट इस टाइम करंटली मैं बता रहा हूँ कि एक्टिव हैं लोग, करंटली फ्यूचर में ज़्यादा शॉर्ट की तरफ अब जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कर। तो मार्केट जो शॉर्ट मारेगा उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जो नहीं शॉर्ट मारेगा वो अब बैठ के खाएंगे। मतलब ये आने वाले कुछ हफ्ते की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि शॉर्ट वाले शॉर्ट ही मारते रहेंगे, तो नहीं। मार्केट तो मतलब ठीक है, मार्केट ने एक पॉइंट तक गिरना है, देन उसके बाद उठ भी जाना। शॉर्ट मतलब कि एयर लिंक जैसे हो गया, और भी स्क्रिप्ट्स हैं जिनमें शॉर्ट लग सकती है, अच्छे अच्छे पॉइंट पे वो आए हुए हैं। आप अपनी इक्विटी को मैनेज करें, अगर आप लर्निंग पोजीशन में हैं तो लर्न करें, और जिनको मतलब कि थोड़ी बहुत समझ है, तब या तो आप टेक्नोलॉजी का सहारा लें जो कि आपको ऑटोमेटिक निकाल के दे चीज़ें, या आप जिनको थोड़ी बहुत मार्केट की, आपसे पुराने हैं, जो आपसे सीनियर हैं, उनकी आप थोड़ी गाइडेंस ले सकते हैं। लाजमी नहीं हमारी लें, किसी और की भी ले सकते हैं, ठीक है जी। तो आपको मार्केट का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए बिफोर डूइंग एनीथिंग, कि अब मार्केट क्या करने लगी है, ठीक है जी। तो भी आप पैसे इंशाल्लाह ताला यहाँ से कमा सकते हैं, चाहे वो शॉर्ट मारें आप, चाहे वो लॉन्ग करें। तो आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट मार्केट क्या करने लगी है। ये नहीं कि मार्केट जो है ना वो आप कहेंगे जी 0.3 रुपया मुझे बच जाए, 0.2 बच जाए, मैं जो है ना वो 10-20 हज़ार क्वांटिटी फलाने शेयर की उठा लूँ और आधा पैसा ऊपर जाएगा तो मैं निकल जाऊँगा, तो उस वो नीचे भी तो आ सकता है, ठीक है। तो आप लॉस पे लॉस भी हो सकता है। तो इसको मैनेज करें इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला हम लोग आपको पूरा फैसिलिटेट करेंगे। अगर कोई हमारे साथ आना चाहता है तो वेलकम, हमारी तरफ से ओपन है गेट्स। हमारे से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हम ऑलरेडी आपकी हेल्प के लिए रेडी हैं। तो थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।